मैंने कितनी बार मना किया है ना कि मेरे ऑफिस के बाहर मुझे बहन बहन मत बोला करो। अगर मेरे किसी भी स्टाफ ने मुझे देख लिया कि मेरी बहन रिक्शा चलाती है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरी बहन रिक्शा चलाती है? क्या इज्जत रह जाएगी मेरे इनके सामने? और प्लीज आगे से मत बोलना ना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जा रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो रिक्शे वाली कौन थे? वो ऐसी रिक्शा चलाती है ना, तो डेली मेरे ऑफिस की टाइम पे मिल जाती है, तो वो ही मुझे छोड़ने आ जाती है। वो बस ऐसी रिक्शे वाली है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। जी सर। अरे ये क्या, वो तो लंच यही भूल गई, मैं उसे देकर आती हूँ। मेरी बहन ना इस कंपनी में काम करती है, आप जरा उसे बुला दोगे? आपकी बहन यहाँ काम करती है? क्या नाम है आपकी बहन का? साहिबा नाम है भैया उनका। साहिबा मैम आपकी बहन है? अरे मैडम कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भला, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ, मेरी ये बहन है और वो अपना लंच बॉक्स भूल गई थी, तो वही देने आई हूँ मैं उसे। आप जरा बुला दो उसे। अच्छा ठीक है, मैं बुला देता हूँ। ठीक है भैया। हेलो मैडम, आपसे कोई बाहर मिलना आया हुआ है, आप प्लीज बाहर आ जाएंगी? आप दो मिनट वेट करो, वो आ रही है। क्या हो गया बहन, तू ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तुम्हें 36 बार समझाया ना कि मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द मत घुमा करो, नहीं समझ आती तुम्हें? और आते ही गार्ड को बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब वो गार्ड जाके सौरभ सर को सब बता देगा कि मैं एक रिक्शे वाली की बहन हूँ। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा करूँ तो करूँ क्या, हर जगह मेरी इंसल्ट करा के रख दी है। अरे बहन तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तू अपना टिफिन रिक्शे में भूल गई थी, वही देने आई थी तुझे ताकि तू टाइम से खाना खा सके। मुझे नहीं खाना खाना वाना, तुमने तो मेरी बेइज्जती करा रखी। और ये खाना खा के खुद खा लेना, अब पूरे ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि मैं एक रिक्शे वाली की बहन हूँ। वाह बहुत अच्छा, तुम्हें अपनी बहन को बहन बोलते हुए शर्म आती है? जब तुम अपनी बहन की इज्जत नहीं करती तो बाकी लोगों की क्या इज्जत करोगी, हमारी क्या इज्जत करोगी? तुम्हें तो शर्म आती है अपनी बहन के बारे में बताने में कि वो रिक्शा चलाती है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, आज जो कुछ भी हो ना तुम अपनी बहन की बदौलत हो। वो दिन भर रिक्शा चलाती है, बेचारी मेहनत करती है ताकि तुम ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन सको। जो कपड़े तुम पहनते हो ना ब्रांडेड, सब तुम्हारी बहन की बदौलत है। जरा अपनी बहन को देखो, बेचारी ने अपने कपड़े तक नहीं लिए नए, बेचारी एक सूट को जाने कब से घिस रही है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे माँ बाप नहीं है, और मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि जितना भी खर्चा हुआ ना तुम्हारे ऊपर, कॉलेज की फीस, तुम्हारा ऑफिस में बड़ी कंपनी में यहाँ पे काम करना, सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। अगर ये ना होती ना तुम आज इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर रही होती। और ये मत भूलो कि जो कुछ मिल रहा है ना तुम्हें, ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है, और तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें ना रूपाली जैसी बहन मिली। आई एम सॉरी सर, मैं ये कैसे भूल गई कि माँ बाप के जाने के बाद इन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरे लिए इतनी मेहनत करती है। देखो मुझे सॉरी मत बोलो, सॉरी बोलना है ना तो अपनी बहन को बोलो जिसका तुमने दिल दुखाया है। सॉरी दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला, मैं ये कैसे भूल गई कि जो मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छी अच्छी जगह जाती हूँ, और इस बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, सब आपकी वजह से है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए, मैंने जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज मुझे दिलाई, और मुझे आपको अपनी बहन कहने में शर्म आ रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बहन, मुझे तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुझे ये समझ आ गया कि बड़ों की इज्जत करना कितना जरूरी है। और हाँ बहन, मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ कि खाने का कभी अपमान नहीं करते, पता नहीं कितने लाखों लोग यहाँ पर भूखे सोते हैं सड़कों पर। सॉरी दी, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं खाने की इम्पोर्टेंस समझूंगी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच भले ही छोटी बड़ी हो सकती है, और हमें कभी भी खास करके अपने फैमिली मेंबर्स का अपमान नहीं करना चाहिए। ना जाने वो लोग कितना संघर्ष करते हैं ताकि हम सही से जी सकें। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में इस घमंडी बहन को इस कंपनी के मालिक ने सही सबक सिखाया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना।